वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम आज है 11 अक्टूबर 2022 और 11 अक्टूबर 2022 हज़ार बाईस से करेंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज की इस वीडियो की पी फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं पी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पी एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है तो अभी 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है लोगों के बीच मानसिक दिक्कतों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 अक्टूबर को ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है अच्छा 10 अक्टूबर को ही भारतीय विदेशी सेवा दिवस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस डे भी मनाया जाता है अच्छा एक अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया दो अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया तीन अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस मनाया गया चार अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया पाँच अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया सात अक्टूबर को विश्व कपास दिवस और विश्व मुस्कान दिवस मनाया गया आठ अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया नौ अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं ये आपको याद रखने हैं अच्छा आज के इस वीडियो को हम टारगेट रखते हैं चालीस या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है हेल्पफुल लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग में उठ सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे एफ आई एच प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया तो अभी हरमनप्रीत सिंह और फैलिस एल्बर्स इन दोनों को एफ आई एच प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है उपयुक्त दोनों आप इमेज में देखिए है। ये हैं हरमनप्रीत सिंह ये एक भारतीय हॉकी प्लेयर हैं और ये हैं डच हॉकी प्लेयर फैलिस एल्बर्स तो हरमनप्रीत सिंह को पुरुष कैटेगरी में और फेलिस एल्बर्स को महिला कैटेगरी में एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है अच्छा एफआईएच यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी इसकी स्थापना कब हुई 1924 में इसका हेडक्वार्टर क्वार्टर कहां पे है लुसाने में और लुसाने कहां पे है स्विट्जरलैंड में एफआईएच के सीईओ कौन है थियरी वेल कौन है थियरी बेल नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ओमारा डेट्स ने कैसे अपना ब्रांड एमस्टर बनाया है तो ओमारा डेट्स ये सऊदी खजूर की कंपनी है सऊदी अरबिया के प्रीमियम खजूर और स्नैक्स की कंपनी है ओमारा डेट्स इसने अभी अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड मेजिस्टर बनाया है तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है अच्छा कल ही मैंने आपको बताया है कि फुटवेयर ब्रांड है वाक करो इसने अजय देवगन को अपना ब्रांड मेजिस्टर बनाया फायर वोड ने कियारा आडवाणी को अपना नया ब्रांड मेजिस्टर बनाया है हेरो मोटोकॉप ने रामचरण को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया और यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी वर्जील होल्डिंग्स ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केस राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप का अनावरण किया तो अभी राजस्थान सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप का अनावरण किया तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है राजस्थान तो यह है मैप में राजस्थान राजस्थान की कैपिटल क्या है जयपुर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर कौन है कलराज मिश्र अच्छा अभी अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में शुरू किया है राजस्थान में पांच नई इंदिरा रसोईयों का उद्घाटन किया गया राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है राजस्थान सरकार स्नातकों के लिए टैग सेंटर का उद्घाटन करेगी संतोष कुमार सिंह को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया और बेर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण अभी राजस्थान के जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है अच्छा राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है रथम्बौर नेशनल पार्क है केवला देवघाना पक्षी विहार है और मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है तो अभी बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब विश्व चैंपियन के फाइनल में सौरभ कोठारी को हराकर पंकज अडवाणी ने जीता तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है ये है भारत की के फेमस बिलियर्ड्स के खिलाड़ी पंकज अडवाणी और इन्होंने इंडिया के ही सौरभ कोठारी को हराकर ये पच्चीसवा खिताब अपने नाम किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जापानी फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है तो रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टप्पन इन्होंने अभी जापानी फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स जीती तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है अच्छा अभी सिंगापुर फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीती दो डच फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टपन ने जीती सेवेस्टियन बैटल ने फॉर्मूला वन से संन्यास की घोषणा की है 2022 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का किताब मैक्स गस्टप्पन ने जीता और ब्रिटिश फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स ये कार्लो सैन्य ने जीती है तो ये फार्मूला वन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको याद रखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, है? हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किसने किया है तो अभी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है अच्छा हिमाचल प्रदेश में यह उद्घाटन हुआ है तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है शिमला हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है राजेंद्र अर्लेकर अच्छा अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च की है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन अभी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया हिमाचल प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया reproduce. और मेंजोर मेला ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया अच्छा हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है पिंड वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है तो अभी उड़ीसा में रेलवे ट्रैक पर हाथियों को आने से बचाने के लिए हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है अब उड़ीसा तो ये है मैप में उड़ीसा उड़ीसा की कैपिटल क्या है भुवनेश्वर उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर कौन है गणेश अच्छा उड़ीसा में है वेलर द्वीप और वेलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है एक अप्रैल को अभी भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन उड़ीसा के पुरी में हुआ है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया समुद्र तट की सुरक्षा के लिए उड़ीसा सरकार ने एनआईओटी के साथ समझौता किया उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिबीस सेकंड का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया उड़ीसा में सुनाबेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक उड़ीसा में है ये भारत की सबसे बड़ी कारे पानी की लेक है अच्छा उड़ीसा में रस्सीकुलिया बीच है गोल्डन बीच है उड़ीसा के दो गांव को अभी यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था वो दो गांव कौन से हैं निोलिया शाही और बैंकट रायपुर अच्छा उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है कुड़ार टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल है इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ने? हाल ही में किसने नब्बे माँ ए खिताब जीता है तो अभी नोबाक जोकोविच ने नब्बेवा एटीपी खिताब जीता तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है नोबाक जोकोविच ने कजाकिस्तान के अस्ताना ओपन के फाइनल में स्टेफानो ये नब्बेवा एटीपी खिताब जीता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नितिन गडकरी जी ने इंडिया रोड कांग्रेस का उद्घाटन कहा किया है तो हमारे प्रेजेंट पे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी इन्होंने अभी में सत्र का उद्घाटन लखनऊ में किया है इंडियन रोड कांग्रेस के में सत्र का उद्घाटन लखनऊ में किया है तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आतंकवाद विरोध पर यूएनएससी की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो अभी आतंकवाद विरोध पर यूएनएससी की बैठक की मेजबानी अपना देश भारत करेगा तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है अट्ठाईस उनतीस अक्टूबर को आतंकवाद विरोध पर यू की बैठक की मेजबानी अपना देश भारत करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहा के मुख्यमंत्री ने राज्य के ओलंपिक का उद्घाटन किया है तो अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन किया तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है अब छत्तीसगढ़ तो यह है मैप में छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है रायपुर अच्छा एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर जो नया रायपुर शहर है उसका नाम बदल के अटल नगर किया गया है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है अनुसुईया ओय अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया से अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा छत्तीसगढ़ ने की दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुए और कौशल्या मातृत्व योजना ये भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई ने है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ एज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई तो अभी एज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित की गई तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है और इसका आयोजन डीपीआईआईटी ने किया है डीपीआईआईटी यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड अच्छा डीपीआईआईटी की स्थापना कब हुई 1995 में नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य का मुंडेरा भारत का पहला ट्वेंटी फोर बाई सेवन सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है तो अभी गुजरात का मुंडेरा गांव भारत का पहला ट्वेंटी फोर बाई सेवन सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ तो इस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही है गुजरात के मेहसाणा जिले में है मुंडेरा ये भारत का पहला ट्वेंटी फोर बाई सेवन सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है अच्छा गुजरात तो ये है मैप में गुजरात गुजरात की कैपिटल क्या है गांधीनगर गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर कौन है आचार्य देवव्रत अभी गुजरात के मुख्यमंत्री ने एफको नैनो यूरिया छिड़का योजना की शुरुआत की है सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है गुजरात पुलिस की ए एफ प्रणाली का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है और छत्तीस में राष्ट्रीय खेल दो की मेजबानी गुजरात करेगा इतना आप गुजरात के बारे में याद रखिए अच्छा गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है ये एशियाटिक लॉयस के लिए फेमस है सरदार सरोवर डैम है नल सरोवर लेक है थोल लेक है कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में छत्तीसवें राष्ट्रीय खेलों में श्री हरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में कौन सा पदक जीता है तो अभी छत्तीसवें राष्ट्रीय खेलों में श्री श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में स्वर्ण पदक जीता तो इस क्वेश्चन का जी ऑप्शन सही है अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसे दिल्ली सरकार के गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया तो अभी अश्विनी कुमार को दिल्ली सरकार के गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते अब आपके लिए आज का क्वेश्चन आपके लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में वॉक करो ने कैसे अपना ब्रांड एम्बेडर नियुक्त किया है तो वॉक करो ये एक फुटवेयर ब्रांड है इसने कैसे अपना ब्रांड अम्बेजिडर घोषित किया है चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर सी आई एन डी आर ई एस एच आर सी इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर सी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं अच्छा आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना आज की इस वीडियो का टारगेट है चालीस या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है हेल्पफुल लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भी आप से सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू थैंक्स फॉर वॉचिंग